अब अगले श्लोक में भगवान कहने जा रहे हैं यह एनम वेत्ति हंतारम। इस मंत्र से आत्मा हनन क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं है यह प्रतिज्ञा करके तथा न जायते यानी 20वें मंत्र से आत्मा की निर्विकारता का हेतु को बतलाकर, अब कोई ये कहे कि आपने ये तो कहा कि ये न हन्यते हन्यमाने शरीरे नायम हन्ति न हन्यते। चलो ठीक है, युद्ध के प्रसंग में आपकी बात ठीक है, पर अन्य अन्य क्रियाओं का कर्ता आत्मा अवश्य बनता होगा, उसका निषेध कर रहे हैं। श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं 21वें श्लोक के बारे में कि आत्मा कर्ता और भोक्ता भी नहीं है, ये यानी आत्मा अकर्ता और अभोक्ता है, उसको भगवान इसमें 21वें श्लोक में कह रहे हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजमव्ययम् कथम सपुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है? तो ये जो युद्ध के कारण इसी क्रिया को भगवान बार बार घटित कर रहे हैं, तो श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने यहाँ कहा है कि अगले श्लोक में आत्मा को अकर्ता और अभोक्ता बतलाते हैं। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो इस आत्मा को अकर्ता यानी पहले से ही निर्विकार और नित्य बताया है, तो भगवान ने जान लिया कि अर्जुन को अभी परोक्ष ज्ञान हुआ है, इसलिए इस श्लोक में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो पुरुष इस आत्मा को वेद देख, इसलिए यहाँ वेद शब्द का प्रयोग करके कहते हैं कि हे अर्जुन तू प्रत्यक्ष देख, क्या आत्मा अविनाशी है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं कि यहाँ कम घातयति हन्ति कम से केवल मारने और मरवाने का ही निषेध नहीं किया, परंतु यह भाव है कि वह किसी भी क्रिया को करने या कराने वाला नहीं है। महाराज, ये जो दिखता है करना करवाना, फिर ये किसका धर्म है अगर आत्मा का धर्म नहीं है? श्री उड़िया बाबा जी महाराज अपनी व्याख्या में, इसी श्लोक की व्याख्या में समझाते हैं, करना जीव का धर्म है, आत्मा का नहीं, और कराना ईश्वर का स्वभाव है। ईश्वर में ऐश्वर्य है, इसलिए वह कराने वाला है, और जीव में जीवत्व है, इसलिए वह करता है। तो ऐसी स्थिति में अब जो विशुद्ध आत्मा है, यानी विवेक करने के बाद आत्मा अनात्मा का विवेक जब हो जाता है, तब ये बात पता लगती है कि ये जो कर्तृत्व है ये जीव में है, यानी चिज्जड़ ग्रंथि में है, चिदाभास में है, विशुद्ध आत्मा में ये नहीं है। अब यहाँ श्री उड़िया बाबा जी महाराज बोधवान के बारे में बता रहे हैं। बोधवान के जीवन में देखा जाता है कि उनमें जीवत्व और ईश्वरत्व दोनों ही नहीं हैं, इसलिए ज्ञानी को यह अनुभव होता है कि मैं सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता हूँ। आगे चल के 5वें अध्याय में भगवान स्वयं कहेंगे कि नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्वित, और वहाँ करीब करीब 13 क्रियाओं को गिनाएंगे,
पश्यन् श्रृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिशन् निमिशन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धार्यन्। भगवान ने आगे जो पांचवें अध्याय में जो बात कही है, यहाँ बोधवान के लिए श्री उड़िया बाबा जी महाराज इसी श्लोक की व्याख्या में घटा रहे हैं कि बोधवान में जीवत्व और ईश्वरत्व दोनों ही नहीं है। इसलिए क्योंकि वो तो अपने को ब्रह्म स्वरूप ही जान रहा है, तो ज्ञानी को यह अनुभव होता है क्या कि मैं सब कुछ करता हुआ भी, मैं यानी वो जो लोग देख रहे हैं कि ये हमारे महाराज हैं, है ना, ये ज्ञानी जी हैं, तो लोगों की दृष्टि में वो देख रहे हैं कि ये सब कर रहे हैं, पर स्वयं की दृष्टि में वो अकर्ता ही है। अज्ञानी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अतः जो आत्मा को जानना चाहता है और जिसने उसे जान लिया है, वे दोनों ही संन्यास के अधिकारी हैं। यहाँ जो है हमारे सिद्धेश्वर आश्रम जी महाराज बहुत सारे प्रश्न करते थे, बहुत सारा नोट नहीं भी कर पाए, इसलिए महाराज ने इसकी भूमिका में लिखा है कि महाराज ने तो बहुत सारी बातें बताई होंगी, पर उनको कितना ग्रहण हुआ, कितना वो लिख पाए, उसी को सनातन देव जी ने यहाँ बहुत अच्छा संकलन कर दिया है। तो यहाँ पर श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने ये बात भी बताई कि संन्यास का अधिकारी कौन है। तो संन्यास गुरु उसी को देते हैं जो आत्मा को जानना चाहता है। अर्थात चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म, अर्थ और काम, ये तीन पुरुषार्थ जब तक व्यक्ति लगा हुआ है, तब तक के मोक्ष पुरुषार्थ का अभी कोई प्रसंग है नहीं। पर वेदांत का अधिकारी बताया गया साधन चतुष्टय संपन्न। तो साधन चतुष्टय जिनको वेदांत का संस्कार है सब जानते हैं, विवेक, वैराग्य, षड् संपत्ति और मुमुक्षा। तो ये जो चार साधन गिनाए, तो उसमें जो चौथा है मुमुक्षा, यानी मुक्त होने की इच्छा। अब हमको कुछ भी नहीं चाहिए, जैसे यमराज के सामने इतने प्रलोभन दिए गए, यमराज ने नचिकेता जी को कठोपनिषद में इतने प्रलोभन दिए कि आप सब जानते हैं जिन्होंने कठोपनिषद सुना है या पढ़ा है। तो वहाँ एक टीकाकार ने कहा है कि राम नरेश जी बता रहे थे कि नचिकेता बहुत सावधान है, जितने प्रलोभन दिए गए उसने उनको किसी भी वस्तु को फिर उसका नाम लेके दोहराया नहीं कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। उसने बस इतना ही कहा कि जो भी आपने कहा है वो सब आपको मुबारक हो, यानी उसका नाम लेना भी उचित नहीं है, वो भी एक लोभ वृत्ति मानो। तो मुमुक्षु जो है वो भी संन्यास का अधिकारी है, और जिसने जान लिया है तो वो तो विद्वत संन्यास, महर्षि ने अपने गृहस्थ आश्रम में ही उनको बोध हो गया था तो उन्होंने भी संन्यास ले लिया। और विविधिषु संन्यास, यानी जो हम लोगों को दिया जाता है कि अब ये इसमें प्रवृत्ति आगे करना चाहते हैं कि उसको आत्मा को, ब्रह्म को, ब्रह्मात्म ऐक्य का बोध करना चाह रहे हैं, वो भी संन्यास के अधिकारी हैं। ऐसा इसी श्लोक की व्याख्या में श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने यहाँ बता दिया। अब आगे के श्लोकों की संगति में, क्योंकि ये जो हम लोगों ने पांच श्लोक अभी किए, ये तो आत्मा का स्वरूप बता दिया। इस श्लोक में यानी 22वें में आत्मा को अविनाशी, अजन्मा और इस श्लोक में यानी वेदा विनाशनम नित्यम ये अव्ययम, 21वें श्लोक में आत्मा को अविनाशी, अजन्मा और अव्यय कहा है। अब प्रश्न होता है कि जन्म मरण किसके होते हैं
और वे हैं क्या, तो इसी का उत्तर 22वें श्लोक में भगवान स्वयं देने जा रहे हैं। यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने 21वें श्लोक में शास्त्रार्थ भी उपस्थित किया है, पर महाभारत के प्रसंग में उस सबको हम विस्तार में नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर 22वें श्लोक के अवतरणिका में भगवान कह रहे हैं, प्रकृतम तू वक्षामः है। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, अब हम प्रकृति विषय वर्णन करेंगे। तत्र आत्मनः अविनाशित्वं प्रतिज्ञातं तत् किम् इव उच्यते। यहाँ प्रकरण में आत्मा के अविनाशित्व की प्रतिज्ञा की गई है, वह किसके सदृश है सो कहा जाता है। श्लोक 22वां बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है गीता का। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देही। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतार कर अन्य नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर अन्य नवीन शरीरों को प्राप्त हो जाता है। यहाँ व्याख्या में श्री उड़िया बाबा जी महाराज कह रहे हैं कि यहाँ यह भाव नहीं है कि जीवात्मा को शरीर त्याग करते ही दूसरा शरीर मिल जाता है। इससे यही आशय समझना चाहिए कि उसे शास्त्रोक्त विधान के अनुसार नए शरीर की प्राप्ति होती है। हाँ, ये बात अवश्य है कि वैकुंठ या स्वर्ग आदि लोकों को तो वह तुरंत चला जाता है। इसलिए आप देखें कि सन्यासी और सिद्ध भक्तों का अंत्येष्टि संस्कार नहीं किया जाता, उन्हें देह त्याग करने पर ही दिव्य देह प्राप्त हो जाता है, वे इस लोक के कर्म चक्र में नहीं पड़ते। आप देखें, सन्यासी को या तो जल समाधि दे देंगे अथवा स्थल समाधि, उनका अंत्येष्टि संस्कार यानी उनको अग्नि संस्कार उनका नहीं किया जाता। ऐसे ही सिद्ध भक्तों का जो है वो अग्नि संस्कार नहीं होता, तो उसमें हेतु बता रहे हैं क्योंकि वो तो जब शरीर में थे उसी समय ज्ञान की अग्नि से उन्होंने अपने उस सूक्ष्म शरीर और जो स्थूल शरीर जो कि दिख रहा है, तो वो तो जब तक प्रारब्ध है तब तक वो चलेगा, बाकी जो कारण शरीर यानी अज्ञान है वो तो उनका निवृत्त हो गया। तो ज्ञान से जब अज्ञान निवृत्त हो गया तो अब जो है स्थूल शरीर जो है वो तो उनके प्रारब्ध के कारण जब तक ठाकुर जी को उससे काम लेना था, दग्ध रथ न्याय महाभारत में आया है कि अंतिम दिन 18वें दिन जब युद्ध पूरा हो गया तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम पहले उतरो। अर्जुन समझ तो नहीं पाए पर पहले उतर गए भगवान के कहने से। और फिर देखते क्या हैं कि जैसे ही भगवान उतरे वो जो रथ था वो अग्नि लगकर उसमें अपने आप ही भस्मीभूत हो गया, घोड़ों सहित महाभारत में आया। तो हुआ क्या, ये कैसे हुआ? तब भगवान ने बताया कि भीष्म पितामह के जो बाण थे उन बाणों से ये दग्ध तो हो ही चुका था, पर मैंने अपने संकल्प से इसे रखा। महापुरुषों का जो शरीर है सज्जनों, वो तो जब ज्ञान होता है तभी अज्ञान निवृत्त हो जाता है, यानी कारण शरीर खत्म हो जाता है। अब कारण शरीर जब नहीं है तो सूक्ष्म शरीर का भी उसको बाधित कहते हैं, यानी वो तभी तक उसका कार्य है जब तक ठाकुर जी को उससे काम लेना है। जैसे भगवान का संकल्प था तभी तक रथ जो है वो काम में आ रहा था।
तो दग्ध रथ न्याय के अनुसार यहाँ समझा रहे हैं श्री उड़िया बाबा जी कि सन्यासी और सिद्ध भक्तों का अंत्येष्टि संस्कार यानी दाह संस्कार नहीं किया जाता। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें देह त्याग करने पर ही दिव्य देह प्राप्त, यानी या तो ये मुक्त हैं, तो मुक्त के लिए तो आ गया है कि उनका फिर कोई दूसरा जन्म नहीं। और कोई कोई जैसे भीष्म पितामह आदि जो कि वसु के अवतार थे, तो वो तो अपने उसी लोक में चले गए, तो उन्हें देह त्याग करने पर ही दिव्य देह प्राप्त हो जाता है, वे इस लोक के कर्म चक्र में नहीं पड़ते। तो इस लोक का कर्म चक्र का अर्थ है कि ये जो भी जन्म मरण का चक्र है उसमें वे नहीं पड़ते। पर यहाँ ये जो श्लोक है इसकी व्याख्या हम कल करेंगे, यहाँ ये बताया जा रहा है कि यहाँ ये उड़िया बाबा जी महाराज कह रहे हैं कि यहाँ यह भाव नहीं है कि जीवात्मा को शरीर त्याग करते ही दूसरा शरीर मिल जाता है। कोई दृष्टांत के द्वारा यह न समझे, क्योंकि हम ये बनियान समझो हमारी फट गई है तो हम दूसरी बनियान इसको हटा के धारण कर लेंगे तुरंत। तो इससे यही आशय समझना चाहिए, यहाँ पर दृष्टांत को बिल्कुल दृष्टांत में वैसे न घटावें, पर उसका आशय समझना चाहिए कि शास्त्रोक्त विधान के अनुसार नए शरीर की प्राप्ति होती है। इस श्लोक में जीवात्मा की निर्विकारता भी बतलाई है, जैसे भगवान भाष्यकार ने कहा कि अब हम प्रकृति विषय वर्णन करेंगे, यहाँ प्रकरण में आत्मा के अविनाशित्व की प्रतिज्ञा की गई है, वह किसके सदृश है। तो भगवान भाष्यकार ने जो वहाँ बात कही है उसी को यहाँ श्री उड़िया बाबा जी कह रहे हैं कि इस श्लोक में 22वें में जीवात्मा की निर्विकारता भी बतलाई है, विकार वस्त्रों में ही होता है, उन्हें पहनने वाले में नहीं। अर्थात जीव भी जो तत्व दृष्टि से वो भी ब्रह्म ही है। यहाँ कहा है कि जीव पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर को धारण कर लेता है। तो जो बच्चे ये प्रश्न कर रहे हैं सिद्धेश्वर आश्रम जी, तो जो बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं उनमें इस श्लोक की संगति कैसे लगेगी, क्योंकि पुराना शरीर तो वृद्ध पुरुषों का होता है। तब समझाते हैं कि शरीर उत्पन्न होने के एक क्षण पश्चात भी उसको कहेंगे कि एक क्षण पुराना हो गया, अतः उसे पुराना ही समझना चाहिए। एक और दूसरे संत हैं, उन्होंने इसी से मिलता जुलता जो प्रश्न था उसकी संगति लगाई कि जैसे कोई बहुत नया वस्त्र हमको मिला और हमने रख दिया और वो वर्षों तक रखा रहा, और फिर हमने कुछ बनवा लिया या वस्त्र धारण किया और जैसे ही धारण किया उसी दिन वो फट गया। तो अर्थात किस प्रकार के उपादान से ये शरीर बना है, ये भी एक हेतु है कि भाई वो कैसे चला गया, है ना, वो तो अभी अभी जन्मा था, तो इसका अर्थ है कि उसका उपादान ही ऐसा था, उसको कुछ ही भोग इस जन्म में प्राप्त करने थे और जैसे ही वो भोग समाप्त हुए और वो चला गया। नारायण 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 नारायण।